दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। आईएमडी ने यूपी, उत्तराखंड और तमिलनाडु में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 23 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा और आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में रविवार को बारिश की वजह से एक इमारत गिर गई, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई। गुरुग्राम में एक तालाब में 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मकान ढहने और बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली के लाहौरी गेट के फराश खाना इलाके में एक इमारत जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोग मलबे में दब गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। हादसे में एक बच्चे की मौत की खबर है। बारिश की वजह से दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम ठंडा हो गया है और तापमान में काफी गिरावट आई है, साथ ही हवा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। बात करें गुरुग्राम की तो यहां भी बारिश का दौर जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 111 में रविवार को बरसाती तालाब में नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने मंगलवार तक बारिश का अनुमान लगाया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने यूपी में भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में सोमवार और मंगलवार को 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में आदेश जारी कर दिए गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार को स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवई ने 10 अक्टूबर को भारी बारिश के अलर्ट की वजह से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। लखनऊ और कानपुर के डीएम ने भी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं।